हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इंद्रजीत कौर, वेज जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूखे चटपटे मसालेदार राजमा की रेसिपी। ग्रेवी वाले राजमा तो हम अक्सर घर पर बनाकर खाते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सूखे राजमा की रेसिपी बनाई जाए। राजमा तो सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी बहुत ही फेवरेट हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चटपटे ड्राई राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप लाल वाले छोटे वाले राजमा। ये जो छोटे राजमा होते हैं ना, इन्हें कश्मीरी राजमा भी कहते हैं, हम लोग इसे जम्मू राजमा भी कह देते हैं। इससे आज हम चटपटे राजमा बनाएंगे। वैसे हम इसे चित्रा राजमा से भी बना सकते हैं। इन राजमा को मैंने अच्छी तरह से 4-5 बार धोकर साफ करके भिगो लिया है। 4-5 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। इन्हें अगर हमें मॉर्निंग में बनाना हो तो हम इन्हें ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैं इन्हें कुकर में डालूंगी। पहले इसे पानी के साथ ही, मैं क्योंकि मैंने इन्हें अच्छी तरह धोया हुआ है इसलिए मैं इन्हें पानी के साथ ही इसमें डाल रही हूँ कुकर में। अब ये इसमें पानी मैंने साथ में ही डाल दिया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी और डालेंगे इसे बॉईल करने के लिए, और साथ में ही डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देंगे। अब राजमा को बॉईल होने के लिए मैं कुकर को गैस पे चढ़ाऊंगी और इसे 4 से 5 सीटी आने तक राजमा को हम बॉईल करेंगे, पकाएंगे इसे। देखिए कुकर में 5 सीटी आ चुकी हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इस कुकर को साइड पे रख देंगे स्टीम रिलीज होने के लिए। जब तक इसमें से स्टीम रिलीज होती है हम फटाफट से राजमा को तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैं गैस पर एक कढ़ाई रखूंगी और इस कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता। जब जीरा क्रैकल हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन, बिल्कुल बारीक बारीक लहसुन है ये। लहसुन को ऑयल में थोड़ी देर सा फ्राई कर लेंगे। इसका लहसुन में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है राजमा में, जो हम ड्राई राजमा बनाएंगे ना इसमें बहुत ही अच्छा आता है फ्लेवर, बहुत टेस्टी लगते हैं। लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, यानी कि इसे हमें डार्क नहीं करना है। और जब लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक, साथ में 1 से 2 हरी मिर्ची डाल देंगे बारीक कटी हुई। इन सबको हम हल्का सा फ्राई करेंगे थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए तब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक भी नहीं काटा है और बहुत मोटा भी नहीं काटा है। ये प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसका क्रंच बना रहे बस इतना ही इसे भूनना है हमें। इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा तो ये सब्जी में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, मतलब खिल के नहीं आएगा। और ये प्याज जब हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसका मैंने पेस्ट बनाया, देखिए एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है इसका। 3 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर और इसे हम प्याज के साथ ही भूनेंगे। देखिए टमाटर के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी जो रेडीमेड होती है। ये टमाटर तो मैंने घर पर पीसे थे ना, तो ये टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। इससे राजमा का कलर बहुत ही अच्छा आता है, स्वाद भी अच्छा आता है। प्यूरी को भी टमाटर के साथ ही भून लेंगे। इसे हमें पकाना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता, टमाटर अच्छी तरह से पक नहीं जाते तब तक हम इसे पकाएंगे।
अब इसे हम एक दो मिनट के लिए ढक देंगे, ढक के पकाएंगे, ये अच्छे से पक जाएंगे टमाटर। इसे पकते हुए दो तीन मिनट हो गए हैं। अब देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, टमाटरों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को पहले सिम कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमने राजमा में भी डाला है इसलिए इसको बड़े ध्यान से जितना हमें चाहिए टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, कलर देने के लिए, राजमा को बहुत अच्छा आता है इससे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला, और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच किचन किंग, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है सब्जी में, राजमा में। अब हम इसको मिक्स करके सारे मसालों को बस 1 सेकंड के लिए थोड़े से भूनेंगे, जिससे कि मसाले पक भी जाएं और ये जले भी ना। पके हुए मसालों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इसमें। देखिए मसाले भी भून चुके हैं और मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है, मसाला हमारा बहुत अच्छा पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 कटी हुई बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डालेंगे, जिस तरह के प्याज काटे हैं ना उसी तरह की शिमला मिर्च काटेंगे। शिमला मिर्च को अब हम टमाटर के साथ थोड़ी देर भूनेंगे। शिमला मिर्च को हमने बाद में इसलिए यूज़ किया है ताकि इसका क्रंच बना रहे। अगर इसे मसाले के साथ हम पहले ही भून लेंगे तो ये मेल्ट हो जाती, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती, जो कि खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती, क्रंच आए तो बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह इसे हम भूनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए टमाटर के साथ। देखिए अब तक राजमा की स्टीम भी निकल चुकी है। अब हम राजमा खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए राजमा अच्छी तरह से पक गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें 5 सीटी आई हैं। ये देखिए राजमा अच्छे से गल गए। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना है, जैसे हमें चाहिए उतने पक चुके हैं ये। देखिए शिमला मिर्च मैंने कुछ देर के लिए भून ली हैं, ये पहले से कुछ सॉफ्ट हो गई हैं, हमें इन्हें पूरा सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए राजमा। ये जो राजमा हमने बॉईल किए ना, ये पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे हम। क्योंकि पानी इसके साथ ही जाएगा तो ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे। और राजमा के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, और साथ में इसमें डालूंगी टेस्ट बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून टमाटो सॉस। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है राजमा में। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए। और अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें शिमला मिर्च और प्याज सबका फ्लेवर कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, टेक्सचर आ रहा है इनका। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जब, तब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जैसे इसके सारे मसाले हैं जो आपस में मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से रस मिस जाए। देखिए राजमा को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। यहाँ जब आपको लगे कि राजमा एकदम मिक्स हो गए हैं, इस तरह के हो जाए जैसे एकदम मिक्स, जिसमें सारे मसाले शिमला मिर्च प्याज और जो राजमा में थोड़ा सा पानी था वो सब एक साथ मिक्स हो जाए, बस तब तक हम इसे पकाएंगे, ठीक है ना। अब इसे और चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर 1/2 नींबू निचोड़ रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और बढ़िया टैंगी और फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और नींबू के साथ साथ बहुत बढ़िया स्वाद देने के लिए इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ फ्रेश धनिया, इससे तो इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। अब हम इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे। देखिए कितने बढ़िया बने हैं ना राजमा, एकदम मिक्स, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, और एकदम राजमा मसाला है, क्योंकि हमने मसाले भी बहुत डाले हैं इसमें और बना भी बिल्कुल राजमा मसाला जैसा है। ये बहुत ही स्वाद बना है, इसका टेक्सचर भी देखिए कितना अच्छा आया है और कलर भी बहुत अच्छा है। इसे आप पराठे के साथ, चपाती के साथ,
ब्रेड और कुलचे के साथ भी इसे खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये पूरी तरह से तैयार है, अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गरम गरम राजमा को सर्व करेंगे, इसे हम ब्रेड के साथ, कुलचे के साथ, पराठे और चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वाद लगते हैं। ग्रेवी वाले राजमा तो हम चावल के साथ खाते ही हैं अक्सर, आप इसको भी एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए